सो हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी ग्लोबल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, ये है गूगल एड्स कोर्स का बिगनर्स कोर्स के लिए मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। सो ये हमारा 9वीं वीडियोस है, 9th वीडियोस है गाइस। इस वीडियोस में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि आप गूगल माई बिजनेस पे कैसे अपने बिजनेस के लिए ऐड चला सकते हैं, कैसे आप गूगल ऐड के थ्रू आप गूगल माई बिजनेस या गूगल मैप में अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है उसको कैसे ऐड चला सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्ट इन वाराणसी। सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप किया और ये सारे बिजनेस मेरे पास गूगल्स में, गूगल माय बिजनेस में लिस्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बिज़नेस यहाँ पे नीचे है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर ऐड चलाऊँ ताकि वो सबसे टॉप पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने बिज़नेस का ऐड चला सकते हैं। क्योंकि गाइज, अगर आपका कोई लोकल में बिज़नेस है, अगर लोकल सर्विसेज आप डील करते हैं, तो लोकल में गूगल माय बिज़नेस का जो कन्वर्जन आता है वो सबसे बेस्ट आता है। तो सर्च से बेटर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप गूगल माय बिज़नेस पे अपनी ऐड चलाइए, यहाँ से कन्वर्जन आपको बेस्ट आएगा। ये जैसे हमारा खुद का है डीजी ग्लोबल सॉल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको कैंपेन सेटअप करना बताऊँगा कि कैसे आप कैंपेन सेटअप कर सकते हैं और कैसे वहाँ पे आप अपने के लिए ऐड चला सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। सो अगर आप पहली बार इस वीडियोस पे हमारे चैनल्स पे आएँ गाइज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पूरा गूगल एड्स कोर्स जो बिगनर्स के लिए, जो आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हैं उसके लिए सारी कंप्लीट मटेरियल वीडियोस बनाया हूँ। आप उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल एड्स पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्लस वन पे क्लिक करना है, देन आपको न्यू कैंपेन पे। जैसे आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे गाइस, ये आपके पास ऑप्शन आएगा लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यूज़ माई गूगल माई बिजनेस, इसमें ध्यान रहे गाइस कि आपका जो बिज़नेस हो वो गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर्ड हो और आपका फ़ोन नंबर जो है वो एटलीस्ट वेरीफाइड होना चाहिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वेरीफाइड भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वेरीफाइड होगा तो आपका अच्छा खासा कन्वर्जन वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं अपना गूगल माई बिजनेस से, सेम जीमेल से मेरा गूगल माई बिजनेस बनाया, तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। देन मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे कैंपेन का नाम देना है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया गूगल माई बिजनेस। सेकेंड आता आपका लैंग्वेज, हमारी इंग्लिश सही है। आपको यहाँ पर बजट आता है, अपने अकॉर्डिंग आप बजट रख सकते हैं गाइस। मैंने यहाँ पर अपना 101 रुपया पर डे का रख लिया। बिडिंग यहाँ पे जो लगती है वो आपका डिफ़ॉल्ट आती है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, जो आपको अपने कन्वर्जन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में आप देख लीजिए, हाँ यहाँ पे कॉल्स क्लिक्स है, ड्राइविंग डायरेक्शन है, तो ठीक है, इसका वैल्यू अगर आपको देना चाहें तो 1 दे सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास आता है डेट एंड टाइम, अगर आप एक डेट एंड टाइम पर चलाना चाहते हैं कब से कब, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारा कोई अभी प्रोडक्ट नहीं है तो इसको हम यहाँ पे अनचेक करेंगे। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही गाइस सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम आता है, मैं फ़िलहाल के लिए ऐड ग्रुप का नाम ये दे दिया। देन यहाँ पर आपको अपना क्रिएट योर लोकल ऐड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है क्रिएट योर लोकल ऐड, इंटर मल्टीपल एक्सेट्स गूगल एड्स, टेस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड शो द एड द एक्सपेक्टेड द परफॉर्म बेस्ट। मतलब यहाँ पे गूगल एड्स के बाद कई प्लेटफॉर्म है जो आपका एसेट यहाँ पे अच्छा काम करेगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। सो चलिए गाइस, पहले हम अपनी ऐड बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल URL मांगता है, तो मैंने यहाँ पे अपना फाइनल URL दे दिया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, आपको अपनी वेबसाइट का फाइनल URL मैंने दे दिया। और यहाँ पे डिस्प्ले पाथ पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, मैंने ये दे दिया। देन यहाँ पे हेडलाइंस बनानी आती है गाइज, आप 5 तक बना सकते हैं, मैं फ़िलहाल एक ही यूज़ कर लेता हूँ। वैसे आप कोशिश करिए कि 4 से 5 अपना यूज़ करिए। मैंने ये यूज़ कर लिया, फिर यहाँ पे अगर मुझे और कुछ यूज़ करना है तो वो भी आप बना सकते हैं।
देन डिस्क्रिप्शन आता है गाइस, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कम से कम आपको 2 से 3 बनाना है, जितना अच्छा एड कॉपी बनेगा वो उतना अच्छा आपका क्या होगा कि कैंपेन ऑप्टिमाइज होगा। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे चीज़ें यूज़ कर लिया, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन देना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिख दिया कॉन्टेक्ट अस, देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दिखेगा। देन यहाँ पे आपको यूज़ करना है, एक और यूज़ करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं डेमो क्लास। अब यहाँ पे फिर आपको एक इमेज अपलोड करना है, अपलोड इमेज में आपको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, और सपोज़ मैं कोई सा भी एक लोगो यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला लोगो यूज़ कर लेता हूँ अपने, और एक मैं यहाँ पे इमेज यूज़ कर लेता हूँ कोई सा भी। सपोज मैंने इसको यूज़ कर लिया अपना इमेज, तो ये तो इसको मैंने अपना लोगो यूज़ कर लिया गाइस। और सपोज़ मैं यहाँ पे इसको लोगो यूज़ कर लिया, और देन मैं यहाँ पे इस इमेज को अपना लोगो और इमेज दोनों यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे एक आपको वीडियोस का भी, क्योंकि आपकी ऐड जो दिखेगी वो यूट्यूब पे भी दिखनी है, तो वहाँ पे आपको एक अपने वीडियोस का क्या देना पड़ेगा, यूआरएल देना पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पे मैं अपने वीडियोस का एक यूआरएल दे देता हूँ अपनी, यहाँ पे जो भी हमें यूज़ करना है, सपोज़ इसको यूज़ करना तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे इसको यूज़ करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, और ऐसे मैंने इसको कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। गाइस ये बहुत ही बेस्ट होता है मेथड अगर आपको कोई लोकल पे काम करते हैं, सपोज़ आपका रिपेयर होम अप्लाइंसेज रिपेयर सर्विसेज का काम है, या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट का काम है, ऐसे बिज़नेस के लिए आप अपने बिज़नेस ऑनर के लिए आप ऐसे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा आपका क्या होता है वहाँ पे कन्वर्जन आता है। सो होपफुली गाइस ये वीडियोस आपको पूरी डिटेल में मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गई होगी। अगर गूगल एड्स के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक पे आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गाइस आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, कॉमेंट करिए, जहाँ पे मैं आपको ज़रूर आपका प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। या अगर आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं मेरी वीडियोस को देख के, तो प्लीज़ गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप मुझे सजेशन भी अपना दे सकते हैं जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर आप पहली बार आप चैनल पे हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपको देता रहूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।